जानकारी मिली है सर, जानकारी मिली है कि मातोश्री के मातोश्री में कुछ कांड हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर, आपको भी जानकारी? ठीक है, कांड हो सकता है, जानकारी मिली है तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए ना। हमको क्यों सवाल पूछ रहे हो? हमने बार बार कहा है जिस तरह से ठाकरे परिवार की सुरक्षा में कमी की है, ये कौन सी राजनीति है? हम उसे डरने वाले नहीं हैं। शिवसेना और शिवसैनिक ठाकरे परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। एक लक्षात घ्या कि उद्या, मी काली सांगितलं, उद्या 4 वाजता वरळी डोम येथे माननीय उद्धव ठाकरे आणि काही कायदे पंडित यांची महापत्रकार परिषद आहे, त्याच्यामध्ये तुमच्या सगळ्या प्रश्नांना उत्तरं मिळतील आणि देशभरातल्या पत्रकारांना, मग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल किंवा प्रिंट मीडिया असेल, त्यांना आम्ही उद्या आमंत्रित केलेलं आहे। त्यांच्या समोर हा जो निकाल राहुल नार्वेकरांनी दिलेला आहे त्या संदर्भात खुली चर्चा होईल, आमच्यामध्ये हिम्मत आहे खुली चर्चा करण्याची आणि आपण सगळ्यांनी तिकडे यावं। हा बोली चर्चा की बात, राहुल नार्वेकर ने जो ऑर्डर दिया है उसको लेकर क्या बताएंगे? देखिए, कल 4 बजे वरळी में जो मुंबई का सबसे बड़ा एक सभागृह है, हॉल है, वहां हमने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जनता के लिए भी खुली है और देश के सभी पत्रकार, चाहे हमारे विरोधी हो चाहे और कोई हो, सबके लिए खुला है। आप आइए और हमारी बात सुनिए कि जिस तरह से ये न्याय की धज्जियां उड़ाई है ये लोगों ने, जिस तरह से एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन के जो पिटीशन है उस बारे में संविधान की धज्जियां उड़ाई है इस सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी, उस बारे में हम जनता के साथ डायलॉग करना चाहते हैं और पत्रकारों के साथ डायलॉग करना चाहते हैं। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।